गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पटेल बीना। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 का हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। हमारी बुक का नाम है रामायण, जो पूरक वाचन पाठ्य पुस्तक है। हमारा दूसरा लेसन है जंगल और जनकपुर। आगे हम फर्स्ट लेसन है जो वो पढ़ चुके हैं, अवधपुरी में राम। राम कौन थे? जो दशरथ राजा के बड़े पुत्र थे, उन्हें विश्वामित्र लेने के लिए आते हैं। जो विश्वामित्र यज्ञ करने वाले थे राक्षसों का वध करने के लिए, वो लेकर जाते हैं। दोनों राजकुमार लक्ष्मण और राम उनके साथ जाते हैं। वहाँ तक हमने पढ़ाई करी थी। अब आगे, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नजर सामने थी। महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की और सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चलते थे और चलने को तैयार थे। यहाँ पर हमें राजकुमार जो थे वो राजमहल से निकलकर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी के और आगे बढ़ते हैं। आश्रम पहुँचने के लिए नदी पार करनी थी, किंतु वे लोग सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। उन दोनों के एक बार भी अयोध्या नगरी की तरफ मुड़कर नहीं देखा और ऋषि कदमों पर आगे की ओर बढ़ते रहे। देखते ही देखते अयोध्या नगरी पीछे छूट गई। दोनों राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, वे उत्साहित कदमों से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सूरज ढल गया था और शाम होने लगी। पशु पक्षी अपने घरों में वापस आ रहे थे। आसमान मटमैला था। महर्षि अचानक रुक गए। उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे। गायों के पैर से उड़ती धूल में आधे छिप रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही अविश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरों के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो। यहाँ पर आसमान मटमैला हो रहा है, जिसे देख वे लोग नदी के किनारे ही विश्राम करने के लिए रुक गए हैं। महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए राम से कहा कि मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं को सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी जब तुम नींद में
हो तब भी तुम सोए हुए होगे, तब भी तुम पर कोई प्रहार नहीं करेगा। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वही सोए। तिनको और पत्तों के बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनके साथ बात करते रहे। राम और लक्ष्मण नदी में हाथ मुंह धोकर विश्वामित्र के नजदीक आकर बैठ गए। उन्होंने दोनों भाइयों को बला और अति बला नाम की दो विद्याएं सिखाई। उनके बाद तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर उन लोगों ने वहीं रात बिताई। वे नींद आने तक आपस में बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। यहाँ सुबह हुई, फिर वे लोग नदी के किनारे चलते सल चलते संगम पर पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। राम और लक्ष्मण महर्षि की बात को ध्यान से सुनने के लिए उनके ठीक पीछे ही चलते रहते थे। महर्षि विश्वामित्र रास्ते में पढ़ने वाले आश्रमों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में तथा उनके इतिहास के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे की यात्रा कठिन थी। जंगलों से होकर उनसे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। आगे की यात्रा और भी कठिन थी। जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। रात हो गई, महर्षि को आगे जाना उचित नहीं लगा। वे लोग वहीं एक आश्रम में रुक गए। अगली सुबह वे लोग नाव से गंगा पार करके आगे बढ़े। नदी पार जंगल था, घना दुर्गम। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना। वह डरावना भी था। हर ओर से जिगुरों की आवाज, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यही रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। वहां पर आगे वो बढ़ते हैं, तभी घना जंगल आता है। वो जंगल घना और कठिन जंगल था, जिसमें धूप का नामो निशान नहीं था। काफी डरावना रास्ता था। महर्षि राम और लक्ष्मण को बताते रहते थे कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है। यह वहीं रहती है, उसे हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ताड़का के डर से इस वन में कोई भी नहीं आता था। जो भी आता, ताड़का उसे मार डालती थी या कि
खा जाती थी। उसके डर से उस सुंदर वन का नाम भी ताड़का वन पड़ गया था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींच कर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। टहकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई, ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया। ताड़का को सामने लाने के लिए राम ने महर्षि की आज्ञा पाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। टंकार सुनते ही ताड़का गरजते हुए राम की ओर दौड़ी। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बालों से गिर गई, राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर वो नहीं उठ पाई। वह इतने वेग से आगे कि जंगल में तूफान आ गया, विशाल पेड़ उसे कांपने लगे, पत्ते टूटकर गिरने लगे, ताड़का पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने निशाना साधा, ताड़का बाणों से गिर गई, एक बाण जाकर उसके सीने में लगा, वह धरती पर गिरी और फिर उठ नहीं सकी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिखाए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाया। विश्वामित्र को बहुत खुशी हुई, उन्होंने राम को गले लगा लिया, उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 से अलग अलग शस्त्र दिखाए, उनके प्रयोगों की विधि बताई तथा उनका महत्व भी विस्तार से समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वही बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह भयमुक्त था। ताड़का का वध करके उन लोगों ने निर्भय होकर वही रात बिताई। अब चारों तरफ शांति थी, क्योंकि ताड़का मर चुकी थी। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाज गायब हो चुकी थी, पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसनाहट का संगीत था, चिड़ियों की चहचहाहट की शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। अब अगली सुबह जंगल में ताड़का का वास नहीं था, बल्कि पत्तों और हवा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वे सभी आश्रम पहुंचते हैं। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की, अभिनंदन किया, उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वे सभी विश्वामित्र के आश्रम में सिद्धाश्रम पहुंचे। आश्रम वासियों ने उन लोगों को अभिनंदन किया, वे लोग काफी खुश थे। विश्वामित्र के आगमन की खुशी तथा राम लक्ष्मण के आने का सुख भी बहुत था। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए।
अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से निर्वदन। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को बल बगा दिया है। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे, कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। यहाँ पर विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को दे दी गई। कुछ ही दिनों में अनुष्ठान पूरा होने वाला था। राम लक्ष्मण ने रात दिन जागकर आश्रम की देखभाल की। 5 दिनों तक कोई विघ्न बाधा नहीं आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि राम लक्ष्मण की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। परंतु अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान गूंज उठा। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों के से आसमान भर गया। सुबाहु और मारिच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर दावा बोल दिया। मारिच क्रोधित था यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, ताड़का को। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारिच को निशाना बनाया। मारिच बाण लगते ही मूर्छित हो गया, बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र के किनारे। वह मरा नहीं, जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम को दूसरा बाण सुबाहु लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में पगडंड मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे, कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए। अब यहाँ पर अनुष्ठान के अंतिम दिनों अचानक भयानक आवाजों से आसमान गूंज उठा। दो राक्षस सुबाहु और मारिच राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर आ गए। वे दोनों राक्षसी ताड़का के पुत्र थे। राम ने राक्षसों को देखते ही मारिच पर बाण चलाया। बाण लगते ही वह मूर्छित होकर धरती पर गिर गया, किंतु वह मरा नहीं, वह दक्षिण की ओर भाग गया। अब राम ने सुबाहु पर बाण चलाया, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरते ही राक्षसों में भगदंड मच गई। सभी राक्षस अपनी जान बचाकर भागे। इस प्रकार से महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ। महर्षि ने राम को गले लगाया। महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। युद्ध के बाद राम ने महर्षि से आगे के कार्य के लिए
आज्ञा मांगी। ऋषि ने बताया कि जनकपुरी में शिव का बहुत बड़ा धनुष है, हम उसे देखने जाएंगे। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुंचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर में पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया, तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनको आकर्षण से खींचता जा रहा हूं। ये राम और लक्ष्मण है महाराज, दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूं आपका अद्भुत धनुष दिखाने। यहाँ पर राम और लक्ष्मण गुरु जी की आज्ञा मानकर चल दिए। वे सोन नदी पार कर गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए दूसरे दिन मिथिला के महाराज जनक के यहाँ पहुँचे। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया। राम लक्ष्मण को देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। वे पूछ बैठे कि यह राजकुमार कौन है? महर्षि ने बताया कि ये राम और लक्ष्मण है, आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी आमंत्रित लोग, ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। राजा जनक ने उन्हें एक सुंदर ध्यान में ठहराया। शिव धनुष का बहुत विशाल था। वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने फिर ऋषि मुनि ने धनुष का उल्लेख किया। राजा जनक ने उन्हें अनुजों को कहा कि आप शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुज मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। शिव धनुष बहुत विशाल था, इतना विशाल कि उसे मुश्किल से खींचकर उस सभा में लाया गया जहां सभी राजा, राजकुमार, ऋषि और मुनि उपस्थित थे। इतने विशाल धनुष को देखते ही राजा जनक पल भर के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाएंगे। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा,
उठो वत्स, यह धनुष देखो। राजा जनक पल भर के लिए उदास हो गए हैं। उन्होंने महर्षि से कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा यानी कि डोरी चढ़ा देगा। शिव के इस धनुष पर अनेक राजाओं ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की किंतु विफल रहे। अंत में विश्वामित्र ने राम को संकेत किया। विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो वश्य, उठो बेटा, यह धनुष आप देखो। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं, मुनिवर, राम ने पूछा। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और उस विशाल धनुष को सहज ही उठा लिया। बच्चों के खिलौनों की तरह उन्होंने उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वह अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो, विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया, उसके दो टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौनों की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। राम ने धनुष को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाया तो बीच में से धनुष टूट जाता है। यज्ञशाला में सब उपस्थित लोग एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। सभागार की चुप्पी महाराज जनक के तोड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राजा ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेशा भेजूं, बारात लेकर आने का निमंत्रण या शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रशंसा चरम पर थी। शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वहां पे धनुष टूट गया। राजा जनक चकित हो गए और सभी एक दूसरे की तरफ देखते रहे। महाराज जनक की खुशी का ठिकाना न था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई और सीता के लिए योग्य वर उन्हें मिल गया। राजा जनक ने महर्षि से कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं राजकुमार दशरथ को बारात लेकर आने का निमंत्रण भेजूं। विश्वामित्र ने अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। नगर में काफी प्रसन्नता थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशियां छा गई। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में सभी खुश हो गए यानी कि खुशी छा गई। आनन फानन में बारात तैयार हुई। हाथी घोड़े रथ सेना। बारात की मथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित। हर घर के प्रवेश द्वार पर वंदनावार, एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर संदेशों दर्शकों की अपार भीड़। खिड़कियों और छज्जों से जागती महिलाएं एक नजर राम को देखने लगी। देखने के राम सीता की जोड़ी दिख जाए। अयोध्या में खुशी छा जाती है। 5 दिन में बारात मिथिला पहुंच जाती है।
जनकपुरी जगमगा रही थी। चारों तरफ फूलों की चादर बिछी हुई थी। विवाह के पहले राजा जनक के महाराज दशरथ से कहा, विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी दो पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद उत्सव लगातार कई दिनों तक चलता रहा। विवाह के पहले राजा जनक ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की करके मेरी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रिया मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से हो जाए। महाराज दशरथ ने राजा जनक के इस प्रस्ताव को तत्काल मान लिया और स्वीकार कर लिया। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बारात कुछ दिनों तक अयोध्या नहीं आई क्योंकि वो जनकपुरी में रुकी हुई थी। बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौटी तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। चारों तरफ से स्त्रियां पुष्प बरसाए। शंख ध्वनि चारों तरफ और चारों तरफ गूंजने लगी और आनंद छा गया।